इस बीच में अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दूं, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। इस वक्त बड़ी खबर में बता दूं, राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, क्योंकि देश का मुस्लिम तबका कमजोर है, कांग्रेस हमेशा कमजोरों के साथ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी और राहुल ने कहा है कि 2019 में किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता में नहीं आने का प्रण दिया जाएगा। एक उर्दू अखबार की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, इनकलाब, एक उर्दू अखबार। इस अखबार में इस बैठक के बारे में लिखा गया है, राहुल गांधी के साथ हुई मुस्लिम बुद्धिजीवियों की इस बैठक में जेट फैजान, परा नकवी, इलियास मलिक और डॉक्टर अशरफ समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। ये अखबार जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक उर्दू अखबार है इनकलाब। इसमें बयान देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, उर्दू अखबार इनकलाब में राहुल गांधी ने बुद्धिजीवियों, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात के बाद ये भरोसा दिया कि मुस्लिम कमजोर हैं और कांग्रेस हमेशा कमजोरों के साथ रही है, और ये भी मान लिया कि 2019 में कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए प्रण भी लिया। इस वक्त इस खबर पर मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव अफसर आलम बने हुए। अफसर, क्या ये पूरा माजरा समझा दीजिए, मान लिया गया कि हाँ मुस्लिम पार्टी है, समझाएंगे मुझे प्लीज, वो अखबार का पेपर मेरे पास भी है सर। उर्दू अखबार है, एक इनकलाब है, उसमें दिया गया है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। हाँ, कांग्रेस सदर राहुल गांधी मुस्लिम दानिशों के साथ जो बैठे हुए हैं, दौरान गुफ्तगू में कहा कि 2019 में हम किसी भी कीमत पर बीजेपी को इख्तदार में नहीं आने देंगे। शिवसेना के साथ इत्तेहाद का मतलब हमारा कत्ल, साफ तौर पे राहुल गांधी का उस दौरान ये बयान था। प्रोफेसर इरफान हबीब, फरह नकवी, इलियास मलिक, जेड के फैजान, डॉक्टर अशरफ समेत कई अहम शख्सियात शरीक हुए थे उसमें। इल्जाम के प्रमोश करते हुए कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है सर, हाँ अब से मैं जुड़ूंगी, आपके पास मेरे पास वक्त कम है, आप मुझे रिएक्शन दीजिए।